रतन सूत्र या महामारी का विजय का सूत्र। सूत्र का मतलब है जो बातें महामारी में लोगों के फायदे के लिए और महामारी को खत्म करने के लिए भगवान बुद्ध ने वैशाली में कही। जब वैशाली में महामारी आई और सब पेड़ पौधे सूख गए और बारिश नहीं हुई और लोग भूखे मरने लगे और बीमारी से मरने लगे, तब भगवान बुद्ध को वहां बुलाया जो एक गंगा को पार करके आए। गंगा का मतलब है एक नदी को, सारी नदियों को पाली के अंदर पुरानी भाषा में गंगा ही बोलते हैं। वो एक गंगा को पार करके आए, तब उन्होंने वहां पर जो बातें कही उनको रतन सूत के नाम से जानते हैं। रतन माने होता है जैम, यानी कि जो ज्वेलरी के अंदर सबसे बढ़िया हीरा पन्ना मोती होता है उसको जैम बोलते हैं, और सूत का मतलब है जो बात कहते थे वो उसको सूत बोला करते थे, जिसको बाद में संस्कृत भाषा में सूत्र कहने लगे। तो रतन सूत इसलिए बोला जाता है क्योंकि सारे सूत्रों में महामारी और दुख को कष्ट को हटाने के लिए ये सूत्र सबसे बढ़िया कामयाब रहा। इसको बाद के समय और उस समय भी बहुत बार याद किया जाता है, बोला जाता है, समझा जाता है। इसके बोलने से और इसके रटने से कोई बीमारी ठीक नहीं होती, ना ही ये कोई वायरस को या बैक्टीरिया को या पैरासाइट को या किसी सूक्ष्म प्राणी को जो आपको नुकसान पहुंचाता है कि इसमें कोई ऐसी गुण है, ना ही ये कोई बारिश पैदा कर सकता है। मगर जैसी मानसिक स्थिति होती है बीमारी के अंदर और मानसिक स्थिति के कारण कमजोर होने से बीमारी ज्यादा हावी हो जाती है, इस रतन सूत्र में संघ के, बुद्ध के और धम्म के अच्छे अच्छे गुण जितने भी हैं वो याद किए जाते हैं, बताए जाते हैं। क्योंकि उस समय सभी लोग धम्म में पारंगत होते थे, इसलिए उसको समझ लेते थे और अपने मन के अंदर जैसे ही उसको समझते थे उनके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता था, जो उन्हें महामारी से लड़ने में या बीमारी से लड़ने में सुविधाजनक होता था। इसके अलावा मन से सभी लोगों जितने भी होते थे वहां, वो जो सूक्ष्म प्राणी हैं या जितने भी प्राणी हैं उन सबसे एक रिक्वेस्ट की जाती थी कि भाई आपको ये बलि देते हैं, आपको खाना देते हैं, सारे मनुष्य आपको कोई ना कोई तर्क देते हैं, इसलिए आप इन पे कृपा बनाए रखें और अपना विकराल रूप धारण ना करें, इनकी रक्षा करें। और इससे पॉजिटिव एनर्जी से और उनसे रिक्वेस्ट करने से, क्योंकि वाइब्रेशन में जो विपसना करते हैं, विपसना करने से ठीक ऐसे जैसे कोई कुत्ता बहुत ज्यादा काटने के लिए तैयार हो या भौंक रहा हो और आप उसके ऊपर हाथ फेरना शुरू कर दें तो वो प्यार से शांत हो जाता है, ठीक ऐसे ही अगर आप किसी सूक्ष्म प्राणी से भी अगर मन से ये बात कहेंगे कि सब शांत हो जाए, सब सुखी हो जाए, शांति हो जाए, तो वहां शांति स्थापित होने के चांस बढ़ जाते हैं। ठीक ऐसे ही जैसे अगर कहीं झगड़ा हो रहा हो दो आदमियों में और वो बहुत जोर जोर से बोल रहे हैं और वहां पे कोई शांत मनुष्य आ जाए और वो आके कहे कि भाई आप झगड़ा क्यों कर रहे हो, तो उसकी वाणी इतनी ठंडी और शांत होती है कि झगड़ा करने वाले अपने आप को शीतल महसूस करना शुरू करते हैं और झगड़ा शांत होना शुरू हो जाता है। तो रतन सूत्र नंबर 8, ये जो रतन सूत्र नंबर 8 है ये इस प्रकार है। ये अर्ये सच्चानी विभावयंती गंभीर पय्येन सुदेशितानि किंचापि ते होन्ति भूसप्तमत्ता न ते भवं अट्ठ ममा दियन्ति इदंपि संघे रत्नं पडितं एतेन सच्चेन सुवत्थि होतु। ये अर्ये सच्चानि विभावयंती, ये माने जो अर्य सच्चानी का मतलब है जो आर्य अर्य सच्चे हैं, यानी कि जो नोबल ट्रूथ हैं, दुख है दुख का कारण है, कारण का निवारण है और निवारण का रास्ता है, मार्ग है जो बताया बुद्ध ने, जिस पर चले और लाखों लोग बाद में चल भी रहे हैं, आज तक चल रहे हैं। ये दुखों को दूर कर देता है परमानेंट रूप से, इसलिए इसको अर्य सच्च मार्ग बोलते हैं, क्योंकि इससे श्रेष्ठ हो जाता है मनुष्य, व्यक्ति श्रेष्ठ हो जाता है, इसलिए अर्य का मतलब श्रेष्ठ होता है, सच्चा होता है। ये अर्य सच्चानी विभावयंती, विभावयंती का मतलब है जो इसका भाव करता है, यानी जो इसका अभ्यास करता है, जो इसकी प्रैक्टिस करता है। गंभीर पय्येन सुदेशितानी, गंभीर पय्येन मतलब गंभीर पय्या के साथ, जो प्रज्ञा के साथ में बहुत गंभीरता से इसका अभ्यास करता है। सुदेशितानी और जो इसको अच्छी तरह से सुदेशित करता है, यानी कि समझता है और जानता है। किंचापि ते होन्ति, किंचापि यानी किंच और अपि, किंच अपि का मतलब है कोई भी, किंच माने
कैया माने जो किंच माने होता है वो कोई, और अपी माने भी, कोई भी। ते होंती, ते माने वे, और होंती माने होता है भू सप्प मत्ता। भू सप्प मत्ता यानी कि अगर कोई भी अगर ऐसा व्यक्ति है, भू सप्प मत्ता का मतलब है बहुत अधिक प्रमत्त वाला। भू सप्प मत्ता, भू से प्रमत्ता, इसका मतलब है कि कोई बहुत अधिक प्रमाद वाला भी अगर व्यक्ति है जो बहुत गंभीर पहिया के साथ और आर्य सचों के मार्ग को जानकर उस पर चलता है। नैते भवंग अठ ममादयंती, नै माने नहीं, ते माने उसका, भव माने जन्म। अठ ममादयंती आठवां होता है, यानी कि फिर भी उसका आठवां जन्म नहीं होता है। ये जो आठवां जन्म है इसमें सबसे खास बात है जो ये रतन सूत्र नंबर 9 है। क्या है इसके अंदर? क्योंकि मनुष्य के लगातार, प्राणियों के लगातार जन्म होते रहते हैं। हम इसको देखते हैं, जैसे मैं अपने माता पिता से जन्म लेकर आया हूं तो ये सच्चाई है कि मेरा जन्म हुआ है, और जो मेरा बच्चा है, जो मेरा बेटा है, उसका जन्म हुआ है, ये भी सच्चाई है। पीछे मेरे माँ बाप का भी जन्म हुआ है, वो कहीं ना कहीं से, ये भी सच्चाई है। यानी कि हम जन्म के वर्जन है, आगे हम जन्म में बढ़ते जा रहे हैं। सेम बर्थ नहीं है मगर नेक्स्ट बर्थ है, नेक्स्ट बर्थ है, अगला जन्म है, अगला जन्म है, हो रहा है। तो अगले जन्म का जो वर्जन है उसका एक प्रिंसिपल, एक उसका सिद्धांत है नेचर के अंदर, कि नेचर बर्थ को कैसे रिपीट करती है और कैसे बर्थ बनता है। ये बुद्ध ने देखा, तभी उसको परम ज्ञान बोलते हैं कि बर्थ के होने का सिस्टम क्या है, मनुष्य का या प्राणी का बर्थ का सिस्टम क्या है। इसको पटिच्च समुत्पाद में बताया हुआ है। मैं पटिच्च समुत्पाद का एक एक करके वीडियो बना रहा हूं, कुछ आ गई हैं, आप देखते रहें। इसमें जो आठवां जन्म लेने वाली बात है, आठवां इसलिए है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति धम में चलता है, धम में जाता है, और वो अपने आगे के धम को, आगे के जन्म को बंद करना चाहता है, खत्म करना चाहता है, मुक्त होना चाहता है, मोक्ष प्राप्त होना चाहता है, अमृत छकना चाहता है, अमृत होना चाहता है, अमृत पद यानी अमृत पद लेना चाहता है, निर्वाण लेना चाहता है या निर्वाण प्राप्त करना चाहता है, या का जो आगे उसका बर्थ ना हो, दुखों से मुक्त हो जाए, अगर ऐसा चाहता है, तो ऐसे व्यक्ति का अगर धम में पारंगत हो जाता है या चलता है तो 7 जन्म होते हैं मैक्सिमम सोतापन्न वाले व्यक्ति के। तो ऐसा व्यक्ति अगर प्रमादी भी हो जाए और अत्यधिक प्रमादी भी हो जाए तो अभी उसका 8वां जन्म नहीं होता, उसका जन्मों से मुक्ति हो जाती है, वो अर्हत हो जाता है, हाईएस्ट नॉलेज को प्राप्त कर लेता है। ये इस धम्म की सबसे खूबसूरत बात है। इदम्पि संघे रत्नंग पणितंग, यानी कि ये जो संघ है इसकी ये सबसे खूबसूरत बात है कि इसमें कोई सोतापन है और वो अगर सार कुछ करने के बाद में प्रमादी भी हो जाता है तो अभी वो 8वां जन्म नहीं लेता, उसका मुक्ति हो जाती है। एतेन सच्चेन सुवत्ति होतु, इस सच्ची बात से जितना भी ये कष्टमय यहां लोग हैं उनके कष्ट दूर हो जाएं, महामारी खत्म हो जाएं और सब सुखी हो जाएं, सुवत्ति हो जाएं, स्वस्थ हो जाएं, ऐसा इसमें कहा गया है। धन्यवाद।